हे पीपल, वेलकम बैक टू टिक टिबी जेड यूट्यूब चैनल। फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स देकर ब्लैकमेल करना और चैनल को हैक करना, ये सब पुराना हो गया। अभी नया प्रॉब्लम आया है यूट्यूबर्स के लिए। शायद इस तरह का प्रॉब्लम आप कभी देखे नहीं होंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए और मैंने इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताया हूं। और टिक टिबी जेड नाम वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके फ्यूचर काम आने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब जो न्यू प्रॉब्लम ये है कि स्कैमर ना ही आपको फेक स्ट्राइक्स देकर ब्लैकमेल करेंगे और ना ही आपके चैनल को हैक करेंगे। ऐसा सोचना गलत है कि वो ये सब काम छोड़ दिए हैं। अभी वो न्यू काम शुरू किए हैं, जिसमें ना ही वो आपको स्ट्राइक्स देते हैं और ना ही आपका चैनल हैक करेंगे। फिर करते क्या है, वो सिर्फ एक मेल करते हैं जिससे आपका नुकसान होने के चांसेस हैं। इनफैक्ट अगर किसी को इसका नॉलेज नहीं हो तो वो खुद ही अपने चैनल पर पॉपुलर वीडियो को डिलीट करेंगे, और इसमें वो स्कैमर आपको ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। ये मजाक नहीं है, सीरियसली। जिसका भी चैनल मोनिटाइज हुआ है या उनके चैनल पर कोई पॉपुलर वीडियोस हैं जिसकी वजह से उनका ग्रोथ मिली है, बहुत से लोग होते हैं जिनको इसका नॉलेज नहीं होता, वो खुद जाकर अपने पॉपुलर वीडियोस को डिलीट कर देते हैं। ऐसा क्या है उस मेल में? क्या वो ब्लैकमेल करते हैं? नहीं। क्या वो अपने चैनल को हैक करते हैं? नहीं। क्या हमें पैसे दे के वीडियो डिलीट करने को बोलते हैं? ये तो सिर्फ एक जोक है, वो ऐसा कभी नहीं करते। फिर करते क्या है, थोड़ी देर के लिए इनको साइड पे रखते हैं, फिर वापस आएंगे यहीं पर। जैसे कि पहले बताया था, जिसके भी चैनल पर पॉपुलर वीडियोस हैं, ये प्रॉब्लम मेनली उन्हीं को फेस करना पड़ेगा। उनको एक मेल आएगा, वो भी copyright.yt लीगल से। उस मेल में ऐसा क्या होगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में पढ़कर बताता हूँ। ये मेल एक्चुअली एक यूट्यूबर को आया था और उन्होंने बताया कि वीडियो में उनका चैनल का नाम मेंशन नहीं करना, तो मैं उनका चैनल का नाम नहीं मेंशन करूंगा। ओके, उसके बाद वो बता रहे हैं कि आपके चैनल पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड मिसलीडिंग कंटेंट अपलोड किए हैं और ऐसा करना क्रिमिनल ऑफेंस है, और कुछ बकवास बता के वीडियो का लिंक मेंशन किए हैं और उस लिंक के नीचे रिमूव द कंटेंट ऐसा बोल रहे हैं। इन शॉर्ट, उस वीडियो को रिमूव कीजिए। और नीचे ये भी लिखे हैं, अंडर द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इट इज एन ऑफेंस टू पोस्ट सच मलेशियस इन्फॉर्मेशन। और उसके नीचे वो धमकी दे रहे हैं कि आपके चैनल पर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाएंगे। ऐसा धमकी तो मूवी के विलन्स भी नहीं देते। ओके, अभी बीच में मैंने कुछ बताते बताते स्टॉप किया था। स्कैमर्स करते क्या है, वो यही करते हैं, copyright.yt लीगल से इस तरह का मेल भेजते हैं। मेल आने के बाद क्या करना चाहिए? जब ये मेल उस यूट्यूबर को आया, हमने यूट्यूब सपोर्ट से बात किया। आप स्क्रीन पर चार्ट्स के पिक्स देख सकते हैं। पहले हमने बताया कि copyright.yt लीगल से हमें ऐसा मेल आया है, एक्सेट्रा। अभी इसलिए इसके बाद वो उनका नाम पूछे, फिर थोड़े डिटेल्स लेने के बाद वीडियो का लिंक और मेल का स्क्रीनशॉट, और इसके बाद वो 5 मिनट्स तक वेट करवाए। फाइनली उनका रिस्पांस आया कि वो बोल रहे थे कि वीडियो में यूट्यूब के गाइडलाइंस अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, सब ठीक है और वो मेल फेक है। ये तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मुझे कंफर्मेशन करना चाहिए था, इसीलिए यूट्यूब सपोर्ट से बात किया। ऑब्वियसली जो मैंने सोचा था, यूट्यूब वालों ने भी वही बताया। copyright.yt लीगल के नाम से उनका कोई भी मेल नहीं है, ये फेक है, और यूट्यूब वाले कभी भी यूट्यूबर को उनका कंटेंट रिमूव करने को नहीं बोलते, डायरेक्ट रिमूव करके मेल भेजते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कैसा स्कैमर है, ना आपके चैनल को हैक करते हैं और ना ही फेक स्ट्राइक्स देकर ब्लैकमेल करते हैं। आपको कुछ पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ फ्रेंड्स, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स को रिमूव करने के तरीके और हैकेड चैनल को वापस लाने के तरीके अपने चैनल पर वीडियोस हैं, जाके जरूर उन वीडियोस को भी वॉच करिए। इस चैनल का नाम है टिक टिबी जेड।